करनाल के इंद्री के गांव गुढ़ा के गुरुद्वारे में बिजली निगम ने खुला दरबार लगाकर उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुना। इस दौरान कई लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया है। वहीं एसडीओ परविंदर कौशल ने बताया कि खुले दरबार में बिजली बिल और ट्यूबवेल का कनेक्शन लेने से संबंधित समस्याएं आई है। इनमें से बिजली बिलों से संबंधित समस्याओं का समाधान मौके पर ही कर दिया गया, जबकि ट्यूबवेल का कनेक्शन सरकार द्वारा टेंडर देने के बाद किया जाएगा। आज के बारे में क्या क्या समस्या आई है? आज हमारे गुड़ा में दरबार लगाया था बिजली की समस्याओं से रिलेटेड, तो हमारे यहाँ पे दो तो न्यू कनेक्शन की फाइल अप्लाई हुई है। न्यू कनेक्शन लेने के लिए घर की फाइल है, उनको हम कनेक्शन देंगे अभी साइट वेरिफिकेशन करने के बाद। और एक बिल से रिलेटेड समस्या थी, उसको हमने मौके पर ही निवारण कर दिया। बिल ज़्यादा आने की समस्या थी, बट रीडिंग बेस बिल बना हुआ था, उन्हें हमने समझा दिया है, वो सेटिस्फाई भी हो गए हैं। और कुछ समस्या एपी के जो शेड्यूल चेंज हुए हैं, एपी की सप्लाई के जो निगम के आदेश अनुसार चेंज हुआ है, उनसे रिलेटेड भी कुछ क्वेरी पूछी गई लोगों द्वारा कि क्या टाइम हुआ है, दिन में सप्लाई नहीं आ रही है एपी फीडर्स पे। उसके बारे में बताया कि रात को 9 से 3 बजे तक और फिर रात को 3 से सुबह 9 बजे तक का टाइम निर्धारित किया है निगम ने। तो गांव की लाइट का क्या है शेड्यूल? गांव की लाइट है आपकी 8 बजे से लेकर 6 बजे तक ऑफ रहेगी, 8 से सुबह 8 से लेकर 6 बजे तक ऑफ है, उसके बाद फिर रात भर लाइट रहेगी। क्योंकि ये गेहूं की फसल है, पकी हुई है, इसकी सेफ्टी के मद्देनजर रखते हुए ये किया गया। ऐसे भी समस्याओं का समाधान यहाँ मौके पर किया जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल, मौके पर जो भी समस्या, अगर ऐसी समस्या आ जाती है जो नहीं हो पाती है कि पोल शिफ्टिंग हो गया, कहीं तारे लूज है जहाँ पे हमें एस्टिमेट बना के या कुछ ऐसा करना पड़ेगा, तो हम मतलब नोट कर लेते हैं और उसके एस्टिमेट बना के क्लियर कर देते हैं। या कोई बिल से रिलेटेड समस्या है जो पंचकूला से होगी, जो हमारे यहाँ से नहीं हो पाती है, बाइंडर का हमारे कुछ सिस्टम में कंस्ट्रेन होता है, तो उन्हें हम अपने पास रख लेते हैं, फिर उनको रिजोल्व करा देते हैं। ये प्रत्येक सप्ताह इंद्री डिवीजन द्वारा खुला दरबार लगाए जा रहे हैं, ये कोई ऊपर के आदेश हैं या खुद अपने स्तर पर? नहीं नहीं, ये मैनेजमेंट के आदेश है। हम वीरवार को थर्सडे को 9 बजे से 2 बजे तक एसडीओ ऑफिस में रहेंगे, जनता की समस्याएं सुनेंगे, कोई फील्ड में नहीं जाएगा, कोई मीटिंग अटेंड नहीं करनी है, ये आदेश है थर्सडे को। और सैटरडे को फील्ड में खुद जाना है, एक गांव चुनना है, शहर चुनना है, जो भी फिजिबल हो वहाँ पे दरबार लगाना है, पहले पब्लिसिटी करनी है उसके बाद दरबार लगाना है, ये निगम के आदेश के अनुसार हो। अब तक कितने गांव में खुला दरबार लगाया जा चुका है? अब तक हमारे खुला दरबार लग चुका है, 15 खुले दरबार हमारे लगा चुके हैं। तो किस किस तरह की समस्याएँ हैं? समस्याएँ वैसे यहाँ पे ज़्यादा समस्याएँ नहीं थी, बस करंट की समस्याएँ होती हैं, मतलब जो आज समस्या आई कल निर्धारित, मतलब कोई एक ऐसी कोई समस्या नहीं मिली जो बहुत लंबे समय से चली आ रही थी कि 6 महीने 8 महीने हो गए समस्या का निवारण नहीं हुआ, ऐसी कोई समस्या नहीं मिली। समस्या बस ये थी कि करंट बिल गलत आ गया, एवरेज बेस आ गया, मतलब जो आज की समस्या थी, मतलब ये नॉर्मल समस्या है, बिल से रिलेटेड आई है, कोई ऐसी कोई गंभीर समस्या कुछ ऐसा नहीं मिला। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक